वेल नागिन का नया अध्याय शुरू हो चुका है। सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन लेने वाली है बदला देशद्रोहियों का जो देश में फैला रहे हैं महामारी। एक ही हफ्ता हो गया है शो को आके, दो एपिसोड्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी ये दो एपिसोड में ही इतना बड़ा धमाका कर दिया है कि फैंस कर रहे हैं डिमांड कि जल्दी से जल्दी आप सैटरडे संडे को लाओ यार, हमें देखना है किस तरीके से नागिन 6 में अगला कौन सा ट्विस्ट होने वाला है। फैंस की डिमांड सॉलिड बढ़ रही है, क्या बस हो गया हमें भोली भाली सी जो नागिन है प्रथा है नहीं देखना, हम चाहते हैं कि वो उनका नागिन अवतार लेके आए एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट। इस तरीके से फैंस जो है प्रथा यानी तेजस्वी प्रकाश के कैरेक्टर को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड है, उतना ही एक्साइटमेंट सिम्बा के कैरेक्टर ऋषभ को भी लेकर लोग फिलहाल जो है करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को जो है काफी एक्साइटमेंट है कि आखिर ये जो आर्मी के ऑफिसर है ये एग्जैक्टली क्या अपना रोल निभाने वाले, किस तरीके से नागिन के साथ मिलकर देशद्रोही से बदला लेंगे। तो इसी के चलते शूट जो है बैक टू बैक किए जा रहे हैं ताकि शो को जो है जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए। स्लो पेस नहीं, अगर आपने पहले दो एपिसोड देख लिए तो आपको पता है काफी फास्ट पेस है। और अभी इसी के चलते ऐसा क्या हो रहा है इन बेचारे एक्टर्स के साथ, क्या उन्हें मिल रही है कोई नींद, जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। देख रहे हैं आप फीफा फूज, में हूँ आपकी होस्ट संतोष वेदांगी कर्णिक। वेल जो एक्टर्स हैं, कास्ट है नागिन 6 की, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है अपने अपने इंस्टाग्राम पे, भले वो सिम्बा हो, महक हो या फिर हो तेजस्वी, और आए दिन इनके बिहाइंड द सीन्स या फिर जो जो वो शूट करते रहते हैं वो दिखाते रहते हैं। इसी के चलते सिम्बा नागपाल ने कुछ घंटे पहले यानी सुबह 5:18 के टाइम पे एक स्टोरी डाली है जहाँ पे वो शूटिंग का जो सीन है, बैकग्राउंड का जो सीन है, शायद कोई रात की शूट है वो दिखाई जाने वाली है, और कह रहे हैं कि नो पैकअप सीन्स, यानी उनको कहना है कि सुबह 5:18 हो चुके हैं लेकिन फिर भी जो है हमें नींद नहीं मिल रही है, बैक टू बैक जो है हमारी शूट चलती रहनी है फैंस को एंटरटेन करने के लिए, फैंस को यू नो मेक श्योर करने के लिए कि वो अपनी फेवरेट सीरियल देख पाए बिना किसी रोक टोक के, और एक अच्छे स्टोरी लाइन में जस्ट बनानी है, इसलिए नहीं बनानी है बट परफेक्टली बनानी है और स्टोरी को फास्ट पेस में आगे लेके जाना है। इसी के चलते जो है शूट को बैक टू बैक किया जा रहा है। तेजस्वी के पास तो टाइम भी नहीं है कि वो करण से मिले या फिर किसी फंक्शन में जाए, अफसाना की शादी हो रही है वहाँ पे, हमने करण को देखा है, करण इज़ गोइंग, काफ़ी सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स वहाँ गए हैं, तेजस्वी नहीं जा पा रही है। तेजस्वी इनफैक्ट यू नो जो भी उनके इंटरव्यूज दे रही है, लंच करते हुए दे रही है, ट्रैवल करते हुए दे रही है कार में। सो इस तरीके से नागिन की जो पूरी कास्ट है सुपर बिजी है, बैक टू बैक शूट चल रही है जस्ट टू मेक श्योर कि ऑडियंस जो है एंटरटेन हो। आपको क्या है कहना इसके ऊपर नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, कितना एक्साइटेड हो आप नागिन का आज का नया एपिसोड देखने के लिए ये लिखना मत भूलिएगा। और जिस तरीके से हम देखते हैं सीरियल आधे घंटे एक घंटे टीवी के ऊपर, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत है ये बिहाइंड द सीन्स हमें जरूर बताते हैं। क्या है आपको इसके ऊपर भी कहना ये बताना मत भूलिएगा। आई विल सी यू गाइस सून, बाय बाय।